देखिए, इस वीडियो में बात कर रहा हूँ रिगार्डिंग CHSL 2018 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। एडमिट कार्ड नॉर्थ रीजन का, सेंट्रल रीजन का, दोनों का स्टेटस आ गया है कि नॉर्थ का 5 से 10 के बीच होने वाला है। फेज़ मैनर में करवा रहे हैं ये, मतलब दो फेज़ में करवाएंगे। तो पहला फेज़ 5 से 10 के बीच में है, स्टेटस चेक कर लीजिएगा आप लोग अगर साइट पर दिख रहा है तो, सेंट्रल का और नॉर्थ का दोनों का, कि आपका किस डेट में पड़ा है, 5 से 10 वाले में है या आगे की तरफ है, राइट। सेंट्रल का भी देख लीजिएगा। और ये कोई घबराने वाली, पैनिक होने का सिचुएशन नहीं है। देखो, जो लोग मुझसे प्रेफरेंस के रिगार्डिंग ले रहे थे पेड चाहे फ्री का, मैंने किसी को भी अभी कोई भी रिव्यू नहीं दिया था। रीज़न था कि थोड़ा लोगों से मैं बात कर रहा था, लोगों का प्रेफरेंस जानने की कोशिश कर रहा था कि लोग क्या रखना चाह रहे हैं अपने मार्क्स के हिसाब से, तो थोड़ा मैं इसमें बिजी था। कल से और कल के आगे से मैं इसी में लगा रहूँगा। जिसने भी पेड या फ्री जो भी है, सभी का मैं पर्सनल आपके लिए जो भी बन पाएगा वो मैं कर रहा हूँ कल से, ठीक है ना। तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा, कल से बिल्कुल पैनिक मत होइएगा। मैं खुद आपको कॉल करके इसके रिगार्डिंग जो भी है आपका मैं हेल्प करूँगा, ठीक है। तो पहले अपना अपना एडमिट कार्ड और ये सब देख लीजिए किस डेट पर है, कहीं आपका मिस ना हो जाए, राइट। तो ये सेंट्रल का है और ये आपका नॉर्थ रीजन का है। साथ ही बच्चे एक चीज़ और आ गया है कि CSS का, CSS 2018 CGL 18 का अटेस्टेशन फॉर्म आ गया है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जून के एंड तक आप होप कर सकते हो, तो इन्फॉर्मेशन ठीक ही थी। किसी ने मुझे बताया ही था, मिनिस्ट्री में ही कोई वर्किंग था तो उसने मुझे बताया था कि ऐसा है, और ऑनलाइन ट्रेनिंग की भी बताया था उसने, तो कि जून के एंड तक ये आ जाएगा नोटिस। तो कोई नहीं, चलो वो अलग बात है। तो ये आपका आ गया है इसका, और ये जो आपका है इसको फिल करके भेज दीजिएगा। और सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको मिस ना करिएगा, बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं रहता, अपने ग्रुप में इसको लेके एक्टिव रहिएगा, राइट। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। कई लोग हैं जो लोग कमेंट कर रहे हैं यूट्यूब पर, बहुत तरह के सवाल आ रहे हैं, मेरे लिए थोड़ा दिक्कत हो रही है जवाब दे पाना। तो मैं थोड़ा क्विक बताता हूँ इस वीडियो को लेकर के कि क्या हो सकता है कल से मैं वीडियो थोड़ा उतना ना कर पाऊँ, डेली ना कर पाऊँ, क्योंकि कल से मैं बिजी रहूँगा लोगों के प्रेफरेंस को लेकर के। अच्छा, दूसरी बात ये भी कि जो लोग पेड ले रहे थे, अगर आपका 5 से 10 के बीच में नहीं है आगे के मैनर में, तो प्लीज़ अगले फेज में, तो प्लीज़ अभी आप थोड़ा वेट करिएगा। जिनका स्टार्टिंग में है, थोड़ा मैं उनसे बातें कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा, राइट। तो बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पा रहे कि पोस्ट प्रेफरेंस लेकर के कन्फ्यूज़न में है कि सबसे पहले देखो, दिक्कत इस समय ये आ गई है ना, सबसे ज़्यादा दिक्कत आ गई कि डेटा हमारे पास बहुत सारा है, सबके पास सारा डेटा है स्टेट वाइज से लेकर के ये सारा, और ज़्यादा डेटा होने के बाद भी हम कन्फ्यूज़ हैं। देखो, पहले क्या होता था कि डेटा ज़्यादा रहता नहीं था तो लोग इतना ज़्यादा दिमाग नहीं चला पाते थे। अब ज़्यादा डेटा होने की वजह से क्या है ना, इतने स्टेट वाइज RTI आने के बाद कन्फ्यूज़न और बढ़ गई है, राइट। तो बहुत बड़े लेवल पे कन्फ्यूज़न है आपका। तो कुछ मैं बातें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप, हो सकता है कि थोड़ा आपका कन्फ्यूज़न कम करे। देखिए, सबसे पहली चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आप ध्यान सुनना, आप अपने नंबर को लेकर के ज़्यादा परेशान ना हो। ज़्यादातर लोग जो है, जब मुझसे लोग रिव्यू मांग रहे हैं, सबसे पहले लोग इसी बात को पूछ रहे हैं कि क्या मुझे पोस्ट मिल जाएगी, क्या ये मुझे मिल जाएगा। सबसे पहले ये चीज़ अपने दिमाग से हटाइए। आपके नंबर चाहे जितने भी हैं, आप बॉर्डर से 2 नंबर भी ऊपर हो, पहले ये सब बातें करना आप रोकिए, ठीक है। क्योंकि जब आप ये सोच कर करोगे तो आप पोस्ट प्रेफरेंस पर फोकस नहीं कर पाओगे, राइट। आपके चाहे जितने भी नंबर हैं, आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये पोस्ट मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। सारा काम प्रोबेबिलिटी पर चल रहा है, राइट। लास्ट सीजन 18 में लोगों को लग रहा था कि 2400 भी नहीं मिल पाएगा, उनको 2800 ग्रेड पे की जॉब मिल गई, राइट। तो ये चीज़ें हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात पे मत आप आर्ग्यूमेंट करिए। पहली चीज़ तो इससे देखो क्या है ना, आप फालतू की चीज़ों में उलझे हुए, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि लोग फालतू के चीज़ों में उलझे हुए, अपने कॉमेंट, अपने स्कोर पूछ करके, यार ये वो कह रहा है, ये वो कह रहा है, अपने टेंशन को आप बढ़ा रहे हो। अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर आपने आपको थोड़ा सा कम प्रेशर में लाना चाहते हो इसको पोस्ट प्रेफरेंस भरने में, तो अपनी जो ज़रूरत है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, उसको पहले डिसाइड करिए। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, हो सकती है आपकी रिक्वायरमेंट होम पोस्टिंग का हो सकता है आपकी दिल्ली पोस्टिंग हो सकता है आपका स्टडी टाइम हो सकता है आपका ये। अगर आपकी मान लीजिए कि मेन प्रायोरिटी दिल्ली की थी, नंबर आपको लग रहा है, डर लग रहा है ऐसा, राइट, तो आप उसके दूसरी जो आपकी प्रायोरिटी है, जैसे मान लो दिल्ली के बाद आप तैयारी करना चाह रहे थे, तो आप दिल्ली और तैयारी को दोनों को लेके सिर्फ सोचिए। आप जितना ज़्यादा अपनी प्रायोरिटी को शॉर्ट करोगे ना, उतना आपके लिए आसान रहेगा। अगर आप सोचोगे कि ऐसी जॉब देख लो जो होम पोस्टिंग मिल जाए, प्रमोशन भी फास्ट हो, सैलरी भी अच्छी हो आपका, और उसमें तो आपको ऐसा मिलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप परेशानी पड़ोगे, आप सब कुछ खोजोगे, तो शायद ही कोई पोस्ट मिलेगी कि ऐसा कोई पोस्ट हो
जिसमें आपको ये सारी रिक्वायरमेंट मिल जाएगी। कुछ ना कुछ इफ़ बट है, जैसे ही आप अपनी रिक्वायरमेंट को, ठीक है, प्रायोरिटी को सॉर्ट करोगे, आप जैसे ही प्रायोरिटी को अपने सॉर्ट करोगे, जैसे कोई एक प्रायोरिटी पर अगर आपने आ गया, एक ही पर आ गए, मान लो लास्ट प्रायोरिटी आपकी है एक ही पोस्ट की, तो आप उसी पोस्ट पर फोकस कर पाओगे और आपको बहुत सही सोचने का एक मिल पाएगा, राइट। तो ये जैसे ही आप शॉर्ट करोगे, जैसे मान लो आपने सोच लिया कि मेरे को स्टडी ही करना है, पढ़ाई ही करनी है, तो उसके बाद आप अपने पोस्ट को डिसाइड कर पाओगे कि हाँ यार पढ़ाई वाली ही छाट पाए, क्योंकि 44 मिनिस्ट्री है, 44 अलग तरह की पोस्टें हैं, कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाओगे, राइट। अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको शॉर्ट करिए, आपको आसानी मिलेगी इसमें। अगली बात जो आपकी है कि जब आपका रिक्वायरमेंट डिसाइड हो जाए, तो आप उसको लेकर के हर एक मिनिस्ट्री के अंदर मत, उसके बाद आपकी जब वो शॉर्ट हो जाए, जैसे मान लो आपने स्टडी का देख लिया, स्टडी में आपको 10 मंत्रालय मिल गए या 10 चीज़ें मिल गई आपको, अब उसमें आप ऑर्डर डिसाइड करिए कि किसको ऊपर रखा जाए, किसको नीचे, जिसमें कि मुझे होम पोस्टिंग के भी चांसेस रहे और इसके प्रोबेबिलिटी बने। सारा कुछ प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर होता है, ठीक है। तो उसके बाद पर आप कर पाओगे तो थोड़ा सा आपको आसानी रहेगा, चीज़ें जैसे जैसे शॉर्ट होंगी आपके लिए डिसाइड कर पाना आसान होगा। वरना अगर आप एक ही चीज़ सोच के 44 पोस्ट देखने जाओगे तो फिर थक के बैठ जाओगे, फिर यूट्यूब पर इतने सारे वीडियो कमेंट पूछते रह जाओगे, परेशान हो जाओगे, राइट। तो ये अगली बात है मेरे तरफ से आपको। अगली बात जो मैं आपको बताऊँगा, पाँचवीं बात, वो ये है कि आपके जो मार्क्स हैं ना बच्चे, ये आप, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लोग कमेंट में पूछते रहते हैं कि क्या इस स्कोर पे मेरे को MA मिल जाएगा, क्या मेरे को इस स्कोर पे CGDA मिल जाएगा, क्या इस स्कोर पे ये पोस्ट मिल जाएगा, क्या ये वाले पर ये मिल जाएगा, राइट। तो देखो, सबसे पहली बात कि एग्जैक्ट किस मार्क्स पर कौन सी पोस्ट मिलेगी कोई नहीं जानता, ये सच्चाई है, ये आपको भी पता है। अगर कोई कह दे कि यार 232 पर ही AFHQ मिल जाएगा या ये मिल जाएगा, ये बेवकूफ़ी पना है, राइट। और ये भी नहीं है कि लास्ट 17 वाले से अगर कंपेयर कर रहे हो आप, और उसे कंपेयर करके कोई कह दे कि पोस्टल असिस्टेंट कितनी गई थी तो इस बार भी इतनी जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। चीज़ें बदलती रहती हैं, माहौल बदलता रहता है, उसी हिसाब से होगा। तो सारा काम आपका प्रोबेबिलिटी, सब कुछ संभावना पर ही हो रहा होता है, ठीक है। तो आप अपनी एनर्जी इन चीज़ों में मत खोइए, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम देख रहा हूँ मैं कि लोग पोस्ट प्रेफरेंस पर फोकस ना करके मैक्सिमम इसी पर फोकस कर रहे हैं कि भाई मेरे तो इतने कम नंबर है, कोई मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। अरे मैं ये कह रहा हूँ, आपके मान लो बॉर्डर के पास भी, तो क्या आप सारी पोस्टें नहीं भरोगे, मरोगे ना, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराओगे, अगर आपके पास जॉब नहीं तो बिल्कुल कराओगे। तो आप अपनी एनर्जी सही जगह पर लगाओ, राइट। बात समझ में आ रही है, ये काम बिल्कुल ना करो, क्योंकि होता क्या है कि आप टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे कई जगह पर लोगों को मैसेज करते रहते हो, फिर आपको कोई कहता है कि यार ये नहीं मिल पाएगा, फिर मुझसे बात होती है चाहे किसी से भी होती है, आप कहते हो कि यार उसने कहा था, आपने नहीं कहा था, तो ये सब चीज़ें रहती है फालतू का, ये सब बहसबाजी है, होना है सब कुछ चीज़ों से नहीं है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा परेशान हाई स्कोरर और ज़्यादा परेशान है, राइट ना। तो परेशानी हाई स्कोरर के साथ भी है, हाई परेशानी लोअर स्कोरर के साथ में है, मिडिल वाले भी कन्फ्यूज है। तो कन्फ्यूजन सबके साथ है, ऐसा नहीं कि अगर आपके नंबर बहुत ज़्यादा है तो वो लोग बिल्कुल आराम से हैं कि मेरे को ये मिल जाएगा, राइट। अगर फर्स्ट 10 रैंक को छोड़ दिया जाए तो बाकियों को बात माने तो सबका यही रहेगा, राइट। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो बिल्कुल परेशान ना होइए यार, देखो जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट आ गए हैं, घबराना मत, पेड सर्विस जिन्होंने ले रखी है, जिनका मैंने फ्री के लिए भी बोल रखा है, मैंने कहा था कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पेड लेना ही है, मेरे पास बच्चे टाइम बिल्कुल नहीं है और इस वजह से मैं करना पड़ा था, ये सब बताया था मैंने आपको। तो मैं आपको कल से बिल्कुल पर्सनली बात कराऊंगा और इसके रिगार्डिंग जो भी हेल्प मिल पाएगी सबको करूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाऊंगा। और अगर आपका डॉक्यूमेंट फर्स्ट फेज़ में नहीं है, 5 से 10 में नहीं है, थोड़ा सा टाइम दो मुझे और आप थोड़ा इंतज़ार करिए, और जब 5 से 10 वाला निकल जाएगा तो थोड़ा आइडिया मिल जाएगा उसमें, यार थोड़ा रफ आइडिया मिल जाएगा कि लोग क्या रख रहे हैं और क्या पोस्ट ऊपर नीचे भरी जा रही है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे वालों को। अगर पोस्टल असिस्टेंट चल रहा होगा आगे कि लोग हाई स्कोरर वाले रख रहे होंगे तो आगे भरना सेफ नहीं है वो चीज़ें, आपको भी ये चीज़ पता है, राइट। तो ये चीज़ें थी, बताना था मेरे को। कल से हो सकता है रेगुलर वीडियो ना आ पाए, एक दिन पर आ पाए, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि इवनिंग में एक वीडियो लेके आऊँ मैं आपके लिए। और फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिखिए, टेलीग्राम पे आप आ जाइए, मैसेज कर दीजिए। मैसेज जिन्होंने पर्सनली किया, आपको कि यार मैसेज तो करवा लिया, रिप्लाई नहीं कर रहा, रिप्लाई मैंने किसी को नहीं किया, जिन्होंने पेड सर्विस लिया उनको भी नहीं किया अभी तक। थोड़ा मैं टाइम ले रहा था अपनी तरफ से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आज आ गया है तो मैं बिल्कुल कल से आपके साथ बिल्कुल लगा रहूँगा। कोई भी मदद चाहिए लिखिए कमेंट में, बिल्कुल आपके साथ मैं लगाऊंगा।